बढ़ती गर्मी के साथ ही आगजनी के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं। नाहन शहर की ऐतिहासिक सैरगाह विला राउंड के साथ लगते जंगल में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई है, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। जंगल में 3 दिन पहले आग लगी थी, जिसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि वन विभाग व फायर ब्रिगेड कर्मी लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आग लगातार बढ़ रही है। आज सुबह ये आग शहर की ऐतिहासिक विला राउंड सैरगाह पहुंच गई। हालांकि यहां फायर ब्रिगेड कर्मियों ने सैरगाह में आग को फैलने से रोक लिया। स्टेशन फायर ऑफिसर पीएस सैन ने बताया कि जंगल में अधिकतर स्थानों पर आग पर काबू पा लिया गया है, मगर अधिक सूखा होने की वजह से आग लगातार बढ़ रही है। अग्निशमन विभाग ने फायर सीजन के दौरान लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आगजनी की घटना को लेकर तुरंत फायर ब्रिगेड और वन विभाग को सूचित करें, ताकि आगजनी से पेड़ पौधों को जलने से बचाया जा सके और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। कि आप देख रहे हैं कि विला राउंड में लगभग 3 दिन में लगभग 5-6 कॉलोनी हमारे को फ्रेश फायर की मिल चुकी हैं, और जो जिसमें से हम चार कॉलोनी अटेंड करके उसको पूरी तरह उसको समाप्त कर दिया था आपको, लेकिन दोबारा से लोग उसमें आग लगा रहे हैं और जानबूझकर लोग इस प्रकार की जो हमारे आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मेरा उनसे गर्वत निवेदन है कि वो इस प्रकार की जो आगजनी ऐसे ही अनवांटेड फायर तैयार कर रहे हैं, इस प्रकार वो न करें और इस वातावरण को साफ सुथरा रखने में और हमारी हरियाली को जिंदा रखने के लिए अपना सहयोग दें। और ये जो हमारे चलने वाला जो ये कृष्ण ऋतु का जो इसमें अभी सीजन चला हुआ है, वो सीजन अभी लंबा चलेगा और हरेक जो हमारी वन संपदा है और हमारी क्रॉप्स है वो बिल्कुल पक्के तैयार हो गई हैं। जंगलों में आग लग करके लोगों की फसल का भी नुकसान हो रहा है, तो इस प्रकार की आगजनी हमारा सब का दायित्व बन जाता है कि हम जहाँ जहाँ हमारे समक्ष इस प्रकार की वो घटना होती है तो एक तो तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित करें, फ्रेश डिपार्टमेंट को सूचित करें, पुलिस डिपार्टमेंट को सूचित। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी में? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, चुनावी कबड्डी शुरू हो गई है, है? चुनाव और कबड्डी, चुनावी धाम खानी है तो हमारे साथ चल, वरना खुद बनाकर खा या भीख मांग कर खा। Oh, no. भीख तो आजकल नेता लोग मांग रहे हैं वोटों की, और तुम जैसे लोग उनसे भी आस रख रहे हो नोटों की। है? अरे छोड़ो बात ना करो इन लपोटों की, इनके कारण ही जनसेवा राजनीति बन गई खोटों की। बहुत सही खेल गए चाचा।